कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने दूसरे सत्र के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आज 15 अप्रैल को पहले दिन जिलाधिकारी अमन समीर, एसपी यूएन वर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित की। इन अधिकारियों ने बताया, अभी तक जिले से कुल 108 लोगों के सैंपल जांच के लिए पटना भेजे गए थे। सभी रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं, एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, अर्थात यह खबर जिले को राहत देने वाली है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कृषि कार्य के लिए यहाँ आए हार्वेस्टर चालकों के दल, वैसे कुछ लोग जिनमें इसके लक्षण दिखे थे, इन तमाम लोगों की रिपोर्ट कलेक्ट करके कुल 68 लोगों का सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया है। वह रिपोर्ट भी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। यह क्रम धीरे धीरे आगे भी चलता रहेगा। तो 108 सैंपल अभी तक भेजा गया था, 108 में से 108 सैंपल का पूरा रिपोर्ट आ चुका है, सभी का सभी नेगेटिव है। जैसा कि आपके पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि जो आईएलए और जो सारी जो इलनेस है उसके लेके हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उस तरह का कोई भी लक्षण आता है तो उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो उसमें भी जो एडिशनल है, बाकी सैंपल भी हम लोग को भेजे गए हैं, जैसे कल 19 गया है, आज जो है 45 गया है, जिसमें सारे लोग इलनेस वाले नहीं है। उसमें जो है, क्योंकि जो निर्देश आया था कि जो बाहर के जो हार्वेस्टर के जो चालक हैं उन लोगों का टेस्टिंग करना है, कुल हम लोगों के यहाँ जो 45 करीब हो गया है, टेस्टिंग हो गया है, जो बाहर के हार्वेस्टर हैं वो जो चालक और ड्राइवर थे उन लोगों को, और आज भी वो हम लोग करा रहे हैं टेस्टिंग। उसके अलावा जो है कुछ जो है वो एक आप लोगों ने सुना होगा कि जो नालंदा में जो जमात इकट्ठा हुए थे उसमें से कुछ लोग जो हैं वो बक्सर के भी बताए गए, तो उसमें से 4 लोग हम लोग लोकेट किए हैं, उनका भी सैंपल लेके हम लोग जांच के लिए भेज दिए गए हैं। और उसके अलावा करीब अभी 6 लोगों ऐसे थे जो उनको लोग सिम्टम था, जैसे खांसी है, बुखार है, उस तरह का 6 लोग मिले थे, तो उनका भी सिम्टम टेस्ट करके लिए हम लोग भेज दिया है। तो वर्तमान में ये स्थिति हम लोग का वर्तमान में ये है कि 108 में से 108 का हम लोग का नेगेटिव आ गया, रेस्ट हम लोग जो भेजे हैं उसका सैंपल का रिपोर्ट आना बाकी है। आपने अभी जिलाधिकारी अमन समीर की बातें सुनी। उन्होंने विस्तार पूर्वक यह बताया कि जिले से कुल 108 सैंपल गए थे जो नेगेटिव हैं, इसके अलावे 68 और सैंपल जांच के लिए पटना भेजे गए हैं, वह रिपोर्ट भी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। आप देख रहे हैं बक्सर खबर, सच के साथ सबकी बात। हमारी खबरों के प्रायोजक हैं आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता आर के ज्वेलर्स। धन्यवाद।